हादसे की जगह का जायजा लेने के बाद हॉस्पिटल में घायलों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को दो टूक, दोषियों को होगी सख्त से सख्त सजा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर रेल दुर्घटना से सिहर उठा पूरा इलाका, सियासी नेताओं का भी दौरा जारी। ममता बोली, एंटी कोलिशन डिवाइस होता तो नहीं होती है दुर्घटना। नवीन पटनायक भी लोगों से मिले। विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर बोले अश्विनी वैष्णव, यह राजनीति का वक्त नहीं, दुर्घटना की जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। बालासोर रेल दुर्घटना में अब तक 288 लोगों की मौत, करीब 900 से ज्यादा लोग जख्मी। एनडीआरएफ और सेना की मदद से पूरा हुआ राहत और बचाव का काम, सिसकी और सदमे में पूरा इलाका। ओडिशा रेल हादसे के बाद ट्रेन यातायात पर असर, 40 से ज्यादा रेलगाड़ियों के बदले गए हैं रूट। बालासोर ट्रैक जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश जारी।